साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। हालांकि मैं समय समय पे वीडियो डालता रहता हूं। अभी हम बात करेंगे कतर में आप ड्राइवरी से रिलेटेड जॉब में जाना चाहते हैं। ये वैकेंसी इसलिए मुझे डालनी वैकेंसी नहीं है, आपकी एडवाइस के लिए वीडियो डालने पड़ते हैं, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा लोगों को घर बैठे लोग जॉब अवेलेबल करवा रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट स्कैन करके कॉपी डालो और वो आपको ऑफर लेटर पकड़ा देते हैं, जबकि सच्चाई वो नहीं। सच्चाई यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये होने वाली है। अगर आप कतर ड्राइवरी से रिलेटेड जॉब में जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ इसी तरीके के टॉपिक पे जानकारी सही मिलती रहे। हम बात करेंगे साथियों हेवी ड्राइवर जॉब इन कतर। अगर आप कतर से रिलेटेड जॉब में जाना चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं सर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है कतर में, अच्छा पैसा 50-60 हज़ार रुपये लोग कमाते हैं। भाई सच्चाई है कि लोग लाख रुपए भी ड्राइवरी में कमाते हैं और लोग 20 हज़ार भी नहीं कमाते हैं। वो सिचुएशन पे, कंडीशन पे डिपेंड करती है और मेहनत पे डिपेंड करता है। अब फर्स्ट में बंदा के पास इंडियन लाइसेंस है, वो कतर में लाख रुपये कमाने के सपने देख रहा है, तो वो सपने साकार कब होंगे? जब उनको 2-3 साल हो जाएंगे वहाँ काम करते हुए, तब हो सकता है। आज हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड। अगर आप हेवी ड्राइवरी जॉब कतर से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो काम की बात करें, आपको काम तो साथियों पता ही है कि हेवी बड़ी गाड़ियाँ, जो ट्रोले मान लीजिए, ट्रक मान लीजिए, जो 6 चक्का 10 चक्के 12 चक्के जो गाड़ियाँ होती हैं, वो आपको चलाने का काम मिलता है। सीधी सी बात ही है, ठीक है, वो आपको करने का है, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग का भी हो सकता है, टैंकर का भी हो सकता है, या फिर माल इधर उधर करने का काफ़ी सारे अलग अलग काम होते हैं। कंपनियों में भी कई बार काम मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम होता है, ट्रांसपोर्ट की कंपनियां होती हैं उसमें ज़्यादातर ये जॉब मिलता है, ठीक है। अब वीज़ा, अगर आप जाते हैं तो 2 साल का आपको वीज़ा मिल जाता है, वर्क परमिट वीज़ा इंडिया से लग के जाता है 2 साल का। इसमें एक आज़ाद वीज़ा भी होता है, उस पर अलग बात करेंगे। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं 2 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा, कंपनी आने जाने की टिकट भी दे देती हैं 2 साल के बाद में अगर आप आते हो तो। मैं साथियों एक मेन पॉइंट मैं बता दूं उससे पहले, ये लाइसेंस, अब ड्राइवरी कैसे मिलेगी आपको कतर में लाइसेंस, इसका बड़ा फैक्टर है। अगर मान लीजिए आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आज से 2-3 साल पहले तक इंडियन लाइसेंस कतर में वैलिड था, ठीक है, और सऊदी का लाइसेंस भी वैलिड था। लेकिन कतर और सऊदी की अनबन होने की वजह से कतर गवर्नमेंट ने सऊदी लाइसेंस की मान्यता रद्द कर दी, ये सच्चाई है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंडियन, अब सच्चाई है कि भाई इंडियन लाइसेंस से आप कतर जॉब नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को वो जॉब बेवकूफ़ बना देते हैं, हाँ इंडियन लाइसेंस से कतर में जॉब मिल जाएगा, जबकि सच्चाई है कि नहीं मिलता। हाँ ऐसा होता है कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके लाइसेंस बनवाओ आप पहले, उसके बाद आप गाड़ी वहाँ चला सकते हो, लेकिन ये नहीं कि जाते इंडियन लाइसेंस से आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा है, आप कोई भी GCC लाइसेंस आपके पास है, चाहे वो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, इराक, कहीं का भी अगर लाइसेंस है तो आप कतर हेवी ड्राइवरी जॉब इंडिया से जा सकते हो, ठीक है साथियों। अब सऊदी का भी हालांकि कुछ कंपनियां मान लेती हैं, ऐसा नहीं है, अभी मानने लग गई, पहले तो बिल्कुल ही बैन हो गया था आज से 3-4 साल पहले, अभी ठीक है 8-10 महीने 12 महीने से लाइसेंस वैलिड है। अगर आपके पास GCC लाइसेंस है, ठीक है साथियों, तो इसमें सैलरी आपको अच्छी मिल जाती है, 2,000-2,500 तक आपको सैलरी आराम से मिल जाती है, 2,000-2,500 कतरी रियाल, ठीक है साथियों। इसमें बात बता दूं, कंडीशन पे डिपेंड करता है, कई कंपनियां थोड़ा ज़्यादा दे देती हैं, कई कंपनियां 200-300 रियाल कम दे देती हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, 200-300 का इफेक्ट पड़ता है, 2-2,500 सैलरी आराम से आपको मिल जाती है। ओवर टाइम करके लोग 3-3 हज़ार रियाल भी कमाते हैं, क्योंकि उनका ट्रिप हो जाता है, इंपोर्टेंट इसमें ट्रिप है, एवी लाइसेंस में ट्रिप अच्छा मिल जाता है तो सैलरी अच्छी बन जाती है, ठीक है, वरना ट्रिप रह जाता है तो मैन सैलरी उसी में रहना पड़ता है, प्लस आपको खाना वगैरह कंपनियों की तरफ से मिल जाता है। तो सैलरी की साथियों मैंने आपको बता दी, लाइसेंस के हिसाब से सैलरी ठीक है, बंदा 50-40-50-60 रुपये आराम से कमा सकता है। बेनिफिट की बात करें, आपको कंपनी की तरफ से फूड मिल जाता है, कई कंपनियां फूड नहीं देती तो आपको खुद को बना के खाना होता है, भाई रूम कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन खुद का होता है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है लेबर लॉ के हिसाब से। ड्यूटी की बात करें तो ड्राइवरी में कोई ड्यूटी नहीं होती, हेवी ड्राइवरी में कोई ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म गाड़ियां चलती हैं, वो एक बंदा आज निकला तो 15 दिन से वापस आएगा, तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है। वो ड्यूटी तो वहाँ होती है, जैसे यहाँ से निकला 10 किलोमीटर गया कंपनी में, सुबह से शाम तक आया वापस आ गया, वो लाइट ड्राइवर में हो सकता है, हेवी ड्राइवर में ड्यूटी अनलिमिटेड होती है। जितने आप गाड़ी ज़्यादा चलाओगे, ट्रिप ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा सैलरी आ जाती है, लोग 1800-2000 की बेसिक सैलरी में 3-3 हज़ार डबल तक कमा लेते हैं, लेकिन वो मेहनत पर डिपेंड करता है, 3,000 रियाल तक भी कमा लेते हैं। कहने का मतलब 50-60 हज़ार रुपए बंदा आराम से कमा सकता है, रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कंपनी की तरफ से मिल जाता है। बात करें साथियों जॉब फाइंड, यानी आप जॉब ये कहां से मिले, लोगों की सिचुएशन ये है कि घर बैठे जॉब मिल रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होने वाला भाई।
मान लीजिए कि आप कतर जाना चाह रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। हालांकि एक दो बार बंदा रिटर्न हो जाता है तो उसको सब पता हो जाता है, नए फ्रेशर बंदे की दिक्कत आती है, रिटर्न बंदे को दिक्कत नहीं आती। फिर भी आपके पास लाइसेंस है, आप जाना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, तो भाई आप इंटरव्यू दे के जाए। इंटरव्यू में बेनिफिट ये होगा कि जो भी कंपनी की गुप्त शर्तें होती हैं वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है। एजेंट लोग सच नहीं बताते, कुछ बातें छुपा लेते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू में होगा ना वो एकदम क्लियर कट होगा, अग्रीमेंट पे आपके साइन होंगे। तो उसमें मान लीजिए कंपनी में कोई माइनस पॉइंट है, कोई प्लस पॉइंट है, वो आपको एकदम क्लियर कट करके बता देंगे। अगर वो शर्त आपको मंजूर होगी तो आप अग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। इंटरव्यू देके आपका काम हो सकता है, सीवी सिलेक्शन में भी होता है। मैन पावर ऑफिसेज हैं कंपनियों की इंडिया में, जो अच्छी मैन पावर ऑफिस है उनके थ्रू काम कराओगे तो मुझे नहीं लगता आपके साथ कोई दिक्कत आएगी। ये तो भाई जो अखबार में, ऐड में, टीवी, यूट्यूब पे देख के आप कॉन्टेक्ट कर लेते हो, वहाँ पे तो दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखें, मैन पावर से काम करवाएं, ताकि आपका काम नहीं भी होता है तो आपके डॉक्यूमेंट सही सलामत रहेंगे, आपका पैसा खराब नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। साथियों, मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी कतर ड्राइवरी से रिलेटेड बता दी है, वीज़ा, जॉब और सैलरी वगैरह यही होता है, मैन लाइसेंस वगैरह सबके बारे में बता दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब साथ में ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ इसी तरह के टॉपिक मिलते रहें। और हाँ, अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।